पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर देश के लोगों से स्वच्छता की अपील की। इसके लिए उन्होंने खुद भी पहल की है। सांसद ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास अंदर और बाहर झाड़ू लगाकर और कचरा हटाकर स्वच्छता का संदेश लोगों को दिया। उन्होंने देशवासियों और बिहार वासियों से गांधी जयंती पर देश और राज्य को कचरे से मुक्त करने की अपील की। आज 2 अक्टूबर है, पूरा देश पूज्य महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम भी आज उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ अपील करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन सत्ता संभालने के बाद ही प्रारंभ किया था और सबको मालूम है कि उस अभियान का बड़ा सकारात्मक फल निकला, देश स्वच्छ हो गया और यही नहीं पूरी मुक्ति मिल गई। खुले आकाश में जो सौ जाने वाले लोग थे उससे आज़ादी मिल गई, मुक्ति मिल गई और लगभग 11 करोड़ लोगों के घर में सरकार ने शौचालय का निर्माण भी करवाया। अब स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2 प्रारंभ हो गया है और अब प्रधानमंत्री जी ने ठाना है कि हम पूरे देश को कचरा मुक्त करने का काम करेंगे और इस अभियान को सफल करने के लिए उन्होंने अपील किया है देशवासियों से कि आप सब लोग भी इस तरह से पहले सहयोग किए, इस बार भी सहयोग करिए और देश कचरा मुक्त हो जाए और जिससे कि बहुत बड़ा राहत मिलेगा देश को। इसलिए आज इस अभियान को सफल करिए और गांधी जी की जयंती को मना करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए।